बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना पंजाब यूट्यूब प्रॉपर्टी चैनल। दोस्तों आज हमारा ज़िला विहाड़ी तहसील मैलसी टिब्बा सुल्तानपुर और मित्रों का विज़िट था, और विज़िट करने के बाद तकरीबन हम 200 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इस वक्त हम टिब्बा सुल्तानपुर से बरास्ता लुंडन शहर की तरफ जो कारपेट रोड जा रहा है उस रोड के ऊपर हम स्टे किया हुआ है हमने। ये इस वक्त हमारे करीब तरीन जो शहर है वो है करमपुर। तो हमारे दोस्त मेरे साथ हैं, इससे पूछते हैं अभी कितना सफ़र किया और कितने रकबे आपने विज़िट किए हैं। तो चलते हैं, इस दोस्त से मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी भाई जान, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा भाई जान, किस शहर का विज़िट सी? जनाब रास्ता गया है जी रत्ता डिब्बा तू बिहाड़ी तू रत्ता डिब्बा रत्ता डिब्बा तू जनाब यानी करमपुर कितना सफर तकरीबन कर लिया है? तकरीबन सर 250-300 किलोमीटर। ठीक ठीक, हूँ घर वापस चले हो? जी घर वापस। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने रकबे विजिट करके आए हो? तकरीबन 3 रकबे विजिट किए ने। ते मैलसी तकरीबन करोड़ पक्का मैलसी टिब्बा सुल्तानपुर इतने ठेके की चल रहे ने की रेट? पिछले साल दी रेट जड़ी हो 2.5 लाख रुपया, 2,40,000, 2,30,000 रुपया। हुन कुछ फसलां दे रेट कम होण नाल 2 लाख दी कर ठेके चल। मकईयां दे रेट कम हो गए ने? मकई माशाल्लाह। ते इथे औसत एवरेज की है मैलसी या विहाड़ी दे विच? सर भारीया मकई जड़ी हो 150 मण 140 मण। अच्छा, ते जड़ी औसत मकई है वो 100 प्लस 100 मण 90 मण तक मकई है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब जी। दोस्तों इस वक्त हम लुंडन के इलाके में हैं, साथ बिल्कुल करमपुर है, और करमपुर से आगे जाएं तो तकरीबन 17-18 किलोमीटर लुंडन शहर है, जो कि दरियाए सतलज से 5-7 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ से मित्रू 30 किलोमीटर है और टिब्बा सुल्तानपुर जो है ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी विज़िट की। तो अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।